हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 9। आई एम मिसेस मीरा श्रीवास्तव, योर फिजिक्स टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच द चैप्टर मोशन ऑफ फिजिक्स। मोशन इज द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिफोर स्टार्टिंग डिटेल ऑफ मोशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स सो दैट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द चैप्टर ऑफ फिजिक्स वेरी वेल। These topics are: what is physics, what is difference between quantity and physical quantity, what is unit, and what is system of unit and SI unit. To understand the study of physics, you have to understand these topics very carefully. Go. Let us, we will understand what is physics. Physics is come from Greek word phusis. Phusis means nature. Physics is study of natural phenomena. Natural phenomena, for example, twinkling star, planetary motion, apple falling, ऐसी बहुत सारी phenomena जो nature में occur करती हैं उसका study करना ही physics है. In other word, it is the study of nature in an attempt to understand how the universe behaves. Universe made of matter and energy. So physics is that branch of science which we study the different form of matter. Matter different form. Matter has a fifth state, solid, liquid and gas and plasma. Of fifth state is a Bose-Einstein condensation state. And energy take form of light energy, kinetic energy, radiation, heat energy, etc. And their mutual interaction. Go. Now, what is difference between quantity and physical quantity? Number of student in class, marks obtained by student and salary of teacher is called quantity. Quantity represented in number. अगर आपके class में 50 student है तो आपने उसको 50 एक count number जो कि आपने 50 से represent कर दिया. This is called quantity. And other is physical quantity. Physical quantity अगर आपकी teacher कहती है कि आपको एक rod देती है, एक rod देती है और पूछती है आपसे what is the length of this रॉड, तो व्हाट वुड यू से कि आप इसको अगर ये 10 है तो 10 तो बोलोगे नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या ज़रूरत है, मीटर या सेंटीमीटर लगाओगे तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. तो जैसे ही आपने मीटर लगा दिया जो कि लेंथ एक क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई. विदाउट मेजरमेंट आप इसको किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा आप नहीं बता सकते कि इसकी लेंथ क्या होगी, 10 नहीं बताएंगे. 10 इज अ क्वांटिटी. वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. इज फिजिकल क्वांटिटी इज द नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी और फिनोमेना इन आवर नेचर विच कैन बी मेजर्ड. जिसको ऐसी सभी क्वांटिटी जो कि आप मेज़र कर सकती हैं वो कौन सी क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कम या ज़्यादा जिसको आपको बिना नापे नहीं बता सकते वो आपकी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल मास, ठीक है, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप जो है मेज़र करके ही बता सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड all those quantity which can be measured is called physical quantity. Start. Next is unit. It is a reference standard in terms of which any given quantity can be measured. So unit kya hai ki in general measured value of physical quantity. Agar koi bhi physical quantity hai, jaise aapki length kya hai, ek physical quantity hai. जब हमने मेजर्ड किया तो यहाँ पे क्या आया, 10 मीटर. एक रॉड जो लिया था वो लेंथ की आई 10 मीटर, ठीक है. मीटर क्या हो गया, यूनिट.
यूनिट क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स, यानी हाउ मेनी टाइम्स मीटर, यानी कि यहाँ पे कितना मीटर है, 10 टाइम्स, तो ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड यूनिट, एक रेफरेंस यूनिट होगी, वो होगी मीटर। तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड वैल्यू कैन बी मेजर्ड क्यू इज इक्वल टू एन यू। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो उसकी यूनिट क्या चाहिए और सेकेंड इज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यूनिट जैसे आपका 10 मीटर फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, लेंथ, इसको मैंने मेजर किया 10 मीटर आया, तो 10 एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और एन क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई मीटर। तो हाउ मेनी टाइम्स मीटर इसमें कितना है, 10 टाइम्स मीटर जो है ये आपकी लेंथ हो गई। तो यूनिट इट इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी गिवेन क्वान्टिटी कैन बी मेजर। ठीक है, तो इस तरह से हम मेज़र करते हैं, जैसे मास है किसी चीज़ का, अगर पार्टिकल है या कोई भी मास आप मेजर कर रहे हैं, तो मास एक फिजिकल क्वान्टिटी हो गई। तो मास की अगर ये आपका 50 kg है, 50 kg, तो 50 इज न्यूमेरिकल वैल्यू और kg इसकी यूनिट। तो फिजिकल क्वान्टिटी को हम 2 टर्म्स में इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरह आपकी वैल्यूम है, तो वैल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब। किसी चीज़ का अगर वैल्यूम निकालना है तो ये क्या होगा, वैल्यूम निकालना है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट के। यहाँ पे 4 सिस्टम है, MKS, CGS, FPS, SI यूनिट्स है। MKS M फॉर मीटर के लिए है, किलोग्राम मास की यूनिट है, S सेकेंड का है। CGS C जो है सेंटीमीटर, ये भी लेंथ की यूनिट है सेंटीमीटर, ग्राम मास की यूनिट और टाइम के लिए है सेकेंड। FPS फुट ये भी लेंथ को मेज़र करता है, पाउंड मास के लिए और टाइम जो है सेकेंड है। तो और 4th है SI यूनिट, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो MKS, CGS, FPS जो है, MKS को मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। अलग अलग पार्ट अपना जो इसको यूज़ करता है, जो MKS, CGS, अलग अलग कंट्रीज़ को जो भी अपना मेजरमेंट है सिस्टम का वो यूज़ करता है। लेकिन एक 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, जो सभी कंट्री के लिए एक कॉमन यूनिट है, या ये कह सकते हो कि MKS का एनहेंस करके, उसको एक्सपेंड करके एक यूनिट बनाई जो सभी कंट्री उसको फॉलो करेगा, वो है SI यूनिट। तो SI यूनिट वही MKS यूनिट है, जैसे आपका जो है लेंथ की यूनिट मीटर है, SI MKS यूनिट अगर लेंथ को बोला जाएगा, तो लेंथ के लिए, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको आप मेजरमेंट किया, यूनिट MKS मीटर होगा। और SI यूनिट अगर पूछेगा वो तब भी उसकी क्या होगी, वो मीटर ही होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो MKS मीट्रिक सिस्टम है, CGS आपका ये आपका फ्रेंच सिस्टम है, या गॉसियन सिस्टम भी कह सकते हैं। FPS जो है वो ब्रिटिश सिस्टम है। और SI यूनिट, ये समझ में आ गया होगा कि MKS को एनहेंस करके एक कॉमन यूनिट बनाई गई, जो सभी कंट्री इसका यूज़ करें।